वेलकम बैक। मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सिलोट न्यूज। 26 जनवरी हमारे देश के लिए हमेशा से ही एक उल्लेखनीय और सम्मानजनक दिन रहा है। हमारे देश में आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर 1950 की है, जिस दिन हमने पहली बार अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। आज के दिन हम अपने मतभेद, धर्म, जाति, लिंग, इन सभी को भूलकर साथ में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए देखते हैं विजय चौक में ड्रोन से बने इस खूबसूरत नजारे को। आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देशवासियों में एक अलग ही जोश देखने को नजर आ रहा है। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में 15 से 17,500 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों ने भी पूरे जोश के साथ झंडा फहराया। दरअसल ITBC के जवान, जिन्हें हम हिमवीर भी कहते हैं, वे -40 डिग्री सेल्सियस पर पूरे जोश के साथ तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाते नजर आए। आइए अब जानते हैं क्या है COVID-19 की नई अपडेट्स। 24 घंटे में 2.83 लाख नए केस मिले, 659 की मौत और कुल मामले 4 करोड़ के पार पहुंचे। हर एक सेकंड में RRB NTPC से जुड़ी एक नई खबर सामने आ रही है। #RRBNTPC ट्विटर पर कल से ही सुर्खियों में छाया हुआ है। जनवरी 15 को रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के नोटिस के अनुसार अब से RRB NTPC ग्रुप डी के 2 CBT एग्जाम होंगे। उसके बाद से ही मानो छात्रों और सरकार के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई है। जानते हैं क्या है ये पूरा मसला। दरअसल 2019 के अनुसार RRB NTPC ग्रुप डी के एक ही एग्जाम होना था, लेकिन अब ये बदल दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये उन छात्रों के लिए न्याय होगा जो इस एग्जाम का 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे के पास अधिकार है कि वे एक से ज्यादा एग्जाम ले सकती हैं। सेक्टर 141 में अपने पति को देरी से भोजन परोसने को लेकर पति ने की अपनी पत्नी की हत्या, जिसके बाद पुलिस ने आरोप में 35 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के हरिद्वार निवासी सोनू कुमार उर्फ अनिल के रूप में हुई है। सोनू वर्तमान में नोएडा के सेक्टर 141 में अपनी पत्नी 33 वर्षीय शारदा देवी के साथ रहता है। पुलिस ने कहा कि दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो कि 8 वर्ष का है और एक बेटी जो कि 12 वर्ष की है, जो अब उत्तराखंड में अपनी मौसी के घर रहते हैं। देश दुनिया से तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए सिलोट न्यूज के साथ।